लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसी हरकत क्यों करते हो यार? बैठो बैठो। हम अपना गांव छोड़कर यहाँ पर विदेश में कमाने आए हैं। हमारे घर वालों को यही लगता होगा कि हम लोग अच्छा कमा रहे हैं। उनके उम्मीद पर तुम लोग पानी फेर रहे हो। तूने मुझे क्यों रोका? उसने तुझ पर हाथ उठाया ना? ए, मारपीट करने वाले को तुम मर्द समझते हो क्या? अपने परिवार का बोझ उठाने वाला सच्चा मर्द होता है। हम सब अपने परिवार का बोझ उठा रहे हैं। ए, क्या तुम लोग मुझे डरपोक समझते हो क्या? एक टाइम था जब मैं भी बहुत गुंडागर्दी करता था। जेल से छूटा हुआ शेर, मुझे बोलने देने के लिए धन्यवाद। 6 महीना जेल काट कर हमारा बब्बर शेर बाहर आ रहा है। उसके आने का हम लोग सभी उसका स्वागत करते हैं। स्वागत करने के लिए मैं काउंसलर और मेरा साथ देने वाला मेरा दोस्त है। आओ बब्बर शेर, आओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। ये जो खड़े हैं ना, ये सुंदर पांडे शिक्षक मेरे पिताजी हैं। इनके लिए स्कूल और घर दोनों बराबर है। और ये जो खड़ा है मोटू राज पांडे, ये मेरा बड़ा भाई है। मेरे बारे में उल्टा सुल्टा मेरे पिताजी को बोलते रहते हैं। और ये जो तीनों आ रही हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती, ये तीनों मेरी बहनें हैं। देखो देखो कितने प्यार से देख रही हैं ये। और ये जो दिखने में महालक्ष्मी की तरह है, ये मेरी माँ है। मेरे पिताजी तो ऐसे घूर रहे हैं कि मेरे कदमों को घर में आते साथ ही वो काट के रख देंगे। Hey, वही रुको। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारा पांव काट दूंगा। ये सब तो मुझे पता है, मुझे लगा कुछ और ही बोलने वाले। क्या बोलने के लिए क्या बाकी है, बोल। जेल जाकर आने वालों के लिए मेरे घर में जगह नहीं है। हमारी बात तो सुनिए। क्या चाहते हो आप? सब लोग उसका साथ दे रहे हो? गमछा पहन कर आ गए यहाँ पर। आपको वोट देकर काउंसिलर बनाया, गैर जिम्मेदार लोगों के साथ घूमने के लिए नहीं। मामा जी, रेलवे गेट को पार करने के लिए मना किया था ना, और तुम लोग घर तक आ गए। ये राज पांडे, वो छड़ी निकालो। जी पिताजी, जल्दी दो। देख पांडे, तेरे पिताजी ने शिक्षक का काम शुरू कर दिया है, अब तू जानो तेरे पिताजी जाने। सुनो पांडे, अपनी दोस्ती को हम बाहर रखते हैं, अभी हम चलते हैं। काउंसिलर साहब, हम लोग इतना खर्चा करके बैंड बाजे के साथ चलो, 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 यहां से। इस छड़ी को उठने मत देना। तेरे को तो मैं अभी दिखाता हूँ। जेल से लौट के आया हूँ और तेरे को रद्दी भर का डर नहीं लगता? छड़ी उठा रहा है। अरे तू मार दे। बेटा बेटा पांडे रुको, तू आएगा इसलिए मैंने चिकन बनाया है, खाकर तो जाओ। जो मान मर्यादा तेरे पति का है ना, वो मेरा भी है। चिकन बनाया बोलकर मेरे को एकदम विचलित मत करना, और इस घर में तो मुझे दोबारा कदम रखना भी नहीं है, समझ गई? तू चलता हूँ। बहुत मान मर्यादा वाला है, जाओ। कौन है तुम? पांडे। हाँ भाई, ठीक है। हाँ चलो। हाँ तुम लोग बैठकर यहाँ पे चुगली करते रहो। लगता है तुम्हें चर्बी चढ़ गई है। हाँ हाँ, जेल जाने वाले को ज्यादा चर्बी हो जाती है, यही सोच रहे होंगे ना। पता नहीं अपने आप को कुछ कुछ रकम पास आओ ना 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 ना। लग घर में कोई है नहीं? हाँ, अरे वाह, खाना है गर्मा गर्म। चलो शिक्षक के आने से पहले सपा छट कर देता हूँ, और वो चिकन तो किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा, वो तीनों बहनों के लिए तो बिल्कुल नहीं। सब कुछ अगले खा लूंगा। हाँ, ये मुर्गी तो कमाल की है। बैठ, तेरे लिए चिकन बनाया है, कहा कि खा कर जाओ, तो मना करके चला गया। अब पीछे के दरवाजे से आकर खा रहा है, कहाँ गई तेरी मान मर्यादा? अरे मान मर्यादा का क्या है, जितना मैं तुझे प्यार करता ना, वो ओवरटेक कर लेता है उसको। पता है पता है, तेरा प्यार तो चिकन से है। ये ले और ले। थैंक्स। अगर तू कहीं काम पर लग जाता तो अपने पिता से डांट खाता क्या? क्या कह रही हो माँ, मैं काम पर नहीं गया था, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ पुलिस की नौकरी करने गया था। अब सब लोग फिजिकल टेस्ट में पास हो गए हैं, अभी मैं जो टेस्ट रखने वाला हूँ ये मेंटली टेस्ट है। अगर इस टेस्ट में आप सब लोग पास कर गए तो आप सबको जरूर काम मिलेगा। मैं एक टेररिस्ट हूँ, मैंने एक दुकान में बम रखा है, आप सब लोगों ने देख लिया है। आप सब लोग मुझे कैसे पकड़ेंगे और कैसे अटैक करेंगे? ए, यू कम फॉरवर्ड। यस बॉस। क्या बॉस, इससे पहले तुमने क्या काम किया है? चोरी किया है बॉस। तुम क्यों पुलिस में काम करना चाहते हो? मुझे चोरी करते समय कोई भी पुलिस वाला पकड़ नहीं पाया, अगर मैं पुलिस बन गया तो चोरों को पकड़ सकता हूँ ना, इसके लिए। I like this point. अभी मैं दौड़ता हूँ, देखता हूँ तुम मुझे कैसे पकड़ते हो।
रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? क्यों, तुम दौड़ने का शर्त लगाए हो? यहाँ वापस मत आना, चले जाओ। अगर तुम दोबारा यहाँ पे दिखे तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। मैं अच्छी तरह से दौड़ता हूँ, आपको पसंद नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं, चोरी का काम फिर से जारी रखता हूँ। आपके डिपार्टमेंट को लोग मुझे पकड़ नहीं सकते। पतला दुबला होकर कितना चालाकी दिखा रहा है। नेक्स्ट। यस सर। पता नहीं ये क्या करेगा। अभी मैं दौड़ता हूँ और तू मेरे साथ साथ दौड़, शुरू हो जा। अगर ये काम मुझे नहीं मिला तो सुंदर पांडे मुझे नहीं छोड़ेगा। पांडे टेररिस्ट आगे भाग रहे, उसको पकड़ के मार। तू बम रखने के बाद झूठ बोलता है कि मैंने रखा। अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ, देख। पांडे इसको छोड़ना नहीं, मारो और मारो, ये पुलिस नहीं टेररिस्ट है, मारो। तुम सब साथ मिलकर बम रखकर सबको मारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं पांडे हूँ, सबको पकड़ लूंगा। पांडे को क्या समझते हो, नौकरी तो पक्की है। सिर्फ यही काम नहीं, तुझे गवर्नमेंट में कोई भी काम नहीं मिलेगा, मैं ऐसा करूंगा। अरे बाप रे बाप, मैंने कोई गलती की है क्या? बाप रे बाप, सही है। अरे सर्टिफिकेट पे जब से मोहर लगाया है तब से तेरा पति मुझे डांट डांट कर मेरे कान का पर्दा फाड़ दिया। हाँ हाँ, तुझे जेल जाने के लिए मेरे पति ने कहा। अरे मैं जेल किस लिए गया था तुम्हें मालूम है? ए, कहाँ जा रहा है? ए, नाचने वाली को पैसा देने जा रहा हूँ। पैसा देने के लिए मना किया हूँ ना, मैंने माइक पे अनाउंस किया था, फिर भी तू जा रहा है? ए, चल रहा। ए, मास्टर के बेटे, नाचने वाली को पैसा देने के लिए आया हूँ, क्या वो तेरी बहन है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे माँ के बारे में कहा है, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं नशे में नहीं हूँ, मैं होश में बात कर रहा हूँ। तेरी बहन को ही नहीं, तेरे माँ को भी पैसे दूंगा मैं। मेरे माँ के बारे में कहने की हिम्मत तेरा ये चीप। अरे तुम यहाँ खड़ी होकर के देख रही हो, वो तेरी वजह से झगड़ा कर रहा है। अरे जल्दी से भागो यहाँ से, निकलो, चलो जल्दी। चलो दीदी, जल्दी चलो। किस जबान से तूने मेरी माँ के बारे में कहा है ना, वो जीप नहीं रहेगा। ए, चाय दे जल्दी। देखा पांडे, बर्तन चोरी करने वाला, चम्मच चोरी करने वाला, यहाँ तक कि बच्चे से मिठाई चोरी करने की बात पेपर में लिखा है। तूने उस गुंडे की जुबान काट दी तो भी तेरा नाम इस पेपर में नहीं आया। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उनको जलन होगी। ठीक है, अगर इसके बारे में पेपर में नहीं लिखा तो लिखने वाले का हाथ काट देंगे। क्यों पांडे, ठीक है ना? काट दो काट दो, काटेगा तो काम करना पड़ेगा ना। तो भाई चाय की दुकान पे बैठ कर पेपर को पलटने का, रात को कोई अकेले में फंस गया तो उसे पलट पलट कर मारने का। सुनो, इस शहर के लोगों को गला काटने की आदत है, वो कौन है जो जीभ काटने लगा है? सर मैं हूँ सर। तूने किया है? तू किसका बेटा है? सुंदर पांडे शिक्षक का बेटा हूँ सर। वो तो बहुत अच्छा आदमी है रे, तेरे जैसा बेटा कैसे हो गया? अरे आए हैं तो अरेस्ट करके ले जाइए, एडवाइस क्यों देने लगे खड़े होकर? अरे पुलिस वाले को क्या एडवाइस दे? तू क्या इसका काउंसलर है? गुंडों के साथ घूमता है और डायलॉग मारता है? मुझे थप्पड़ मारकर आपने मुझे समझाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीभ काटने वाले, चल जीभ में बैठ। यस सर, यस सर, यस सर। ए, मैं पांडे हूँ, चलता हूँ चलता हूँ। तू तो अच्छा काम के लिए जेल गया था, तेरा बाप तुझे घर में क्यों नहीं घुसने दिया? तूने वापस जाकर खाना खाया, तेरे बाप ने कुछ नहीं कहा क्या? कहा था ना घर में घुसेगा तो तेरा पैर काट दूंगा, फिर भी घर में घुसकर आराम से खाना खा रहा है। घर के आंगन से कौन है? मुझे मान मर्यादा का ख्याल, इसलिए पीछे से आया हूँ। हाँ ये बच्चा है, बर्तन में हाथ धुला रही हो और साड़ी से मुंह पोछ रही हो, पूछ दो। माँ मैं जब जेल में था तू आए क्यों नहीं मिलने? तू हजारों मील दूर मेडिकल हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था, तुमसे मिलने नहीं आई, इसके लिए तुम्हें दुख हो रहा है? क्यों छोटा बच्चा समझकर पाल रही हो? सड़क में जैसे गाय घूमते रहते हैं ना, इसे भी पानी छिड़क कर इसे भी घर से भगा दो, कहीं इधर उधर भीख मांग कर खा लेगा। इतना बड़ा हो गया है लेकिन घर की कोई जिम्मेदारी नहीं। देखो माँ, तुम बराबर खाना नहीं खा रही हो, तुम्हारा जैकेट लूज हो गया है। तेरे बारे में सोच सोच के ये हाल हो गया। चलो। मैं अपने बारे में नहीं सोचता हूँ, तू क्यों सोचती रहती है? चल ना। बहन जी कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आपकी बेटी कैसी है, ठीक है ना? हाँ वो बहुत अच्छी है। ये बताइए कि पांडे का क्या चल रहा है? पांडे वो फ्लावर मिल के लिए लोन अप्लाई किया है, आते ही काम शुरू करेगा। ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है। माँ तुमने झूठ क्यों बोला? मैं उनके सामने अपने बेटे की बुराई कैसे करती हूँ। ठीक है चलो। क्या पांडे आजकल मजे कर रहे हो? क्यों दीदी, तुम भी मजाक करने लगे हो, जाओ जाओ।
भैया भैया, किसको बुला रही है? तुम्हें ही बुला रही थी। तुमने मुझे भैया करके बुलाया? हाँ तुम्हें ही भैया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या ये सच है कि ये ख्वाब देख रहा हूँ? मेरे माँ के बाद सिर्फ तू मुझे समझने लगी है। क्या चाहिए बोल? एक मटका पानी चाहिए भैया। एक मटका तू रख रख रख, मैं भर देता हूँ। हम भी आपके बारे में समझने लगे हैं भैया। मेरी प्यारी बहनों, पानी लेकर अंदर ले जाओ। क्या कहा? हमको रखना पड़ेगा तो तुम किस दिन काम आओगे? चलो चलो अंदर रख दो, चलो। अरे देखो तो सही, उंगली दिया था, हाथ पकड़ लिया है। ऐसी बहनी सबको मिले तो फिर कल्याण हो जाएगा। वफादार कुत्ते की तरह बना दिया मुझे। चल भैया, अब तू भी आ जा, तेरा भी पानी भर देता हूँ। दे बाबा लोटा दे, तेरा भी पानी भर देता हूँ। रहने दो, मुझे भरना आता है, तुम जाओ। देखो तो सही कितना शरीफ है ये। चलो मैं समझ गया तुम्हारी भावनाएं, तुम भरो मैं जाता हूँ। कुछ कुछ रकम पास आना, एक प्यारी प्यारी गुड़िया दे दो ना। अरे कुछ कुछ रकम पास आना, एक प्यारी प्यारी गुड़िया दे दो ना। कुछ कम पास आना, एक प्यारी प्यारी गुड़िया दे दो ना, दे दो ना। ए निठल्ला, अरे इंटरव्यू में जाने वाला तुम्हारे भाई का पसीना बह रहा है और तुम बैठकर गाना गा रहे हो? पानी भरने से तुम्हारा हाथ गंदा हो जाएगा क्या? जाने दो पिताजी, जाने दो। तू काम कर रहा है और ये बैठकर आराम से देख रहा है? अरे पिताजी जाने दीजिए ना। ए तू अपने भाई की तरह मेहनत करना सीख, हराम का खाना सीख लिया है। ए तू इस तरफ भी नहीं उस तरफ भी नहीं, बीच में बोलना कहाँ से सीखा रे? इतना पानी मैंने भरा, तेरे से बोला नहीं गया उनको? जाने दो, जाने दो। चल चले पिताजी।